हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी अन्य वीडियो से काफ़ी अलग है, क्योंकि आज मैं जिस सच्ची घटना के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ, वो हाल में ही दिल्ली के बुराड़ी नामक जगह पर घटित हुई। एक जॉइंट फैमिली जिसमें 11 सदस्य थे, उन सब ने एक साथ 1 जुलाई को सुसाइड कर लिया। 10 लोगों ने अपने घर के हॉलवे में फांसी लगाकर खुद की जान ली थी और एक इंसान को स्ट्रैंगल करके मारा गया था। मैं इस केस की न्यूज़ को तकरीबन 5 दिन से फॉलो कर रहा हूँ और मैंने उन सारी वेबसाइट्स के आर्टिकल्स को पढ़ रखी है जिस पे इस केस से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बुराड़ी मास मर्डर की बहुत ही डिटेल्ड में जानकारी दूंगा, ताकि आप भी समझ सके कि आखिर क्यों इन लोगों ने एक साथ अपनी जान ले ली। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेस इस मास सुसाइड के विक्टिम्स को देना चाहूंगा और मेरी ईश्वर से यही दुआ होगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, ये दुखद घटना भाटिया परिवार के साथ हुई जिसमें 11 लोग थे। ये परिवार नेटिवली राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से बिलोंग करते थे और ये लोग दिल्ली में तकरीबन 20 साल पहले रहने आए थे। इस परिवार की सबसे एल्डेस्ट मेंबर नारायण देवी थी, जिनकी उम्र 77 साल थी। उनके 2 बेटे थे जिनका नाम भवनेश भाटिया और ललित भाटिया था, और उनकी बीवियों का नाम सविता और टीना था। नारायण देवी की एक बेटी भी थी जिसका नाम प्रतिभा था, और उनके 5 ग्रैंड चिल्ड्रन थे जिनका नाम प्रियंका, नीतू, मोनू, ध्रुव और शिवम था। यहाँ सबसे दुख की बात यह है कि ध्रुव और शिवम की उम्र महज 15 साल थी। तो ये घटना 1 जुलाई की सुबह सामने आई, जब भावेश भाटिया ने अपने किराने की दुकान को सही वक्त पे नहीं खोला। उनके घर के नीचे जस्ट एक नया दूध का शॉप शुरू हुआ था और वहाँ कस्टमर्स की लाइन लग गई, फिर भी उनके दूध का शॉप नहीं खुला। इन बातों पर पड़ोसियों की नज़र गई और वो भाटियास के घर के अंदर उनका हाल समाचार पूछने गए। यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि उनके घर का मुख्य द्वार खुला हुआ था। तो जैसे ही भाटियास के पड़ोसी उनके घर के अंदर जाते हैं, उन्हें वहाँ पूरे परिवार की लाश दिखती है, जहाँ 10 लोगों ने खुद को फांसी लगा ली थी और नारायण देवी वॉज स्ट्रैंगल्ड टू डेथ। इस सीन को देखते ही सभी लोग एकदम से चौंक गए और उन्होंने फौरन पुलिस को इस इंसिडेंट स्पॉट पर बुलाया। शुरू की छानबीन में ऐसा लग रहा था मानो किसी चोर या डकैत ने इस पूरे परिवार का कत्ल कर दिया है, लेकिन भाटियास के घर में रखा हुआ एक भी सामान या पैसा गायब नहीं था। यहाँ एक और अजीब बात यह थी कि इस परिवार का कुत्ता जिंदा था, और अगर रात को किसी गैर इंसान ने इन्हें मारा होता तो कुत्ता ज़रूर से भौंकता। खैर, पुलिस ने इस घर की और भी तलाशी ली और तब इनके हाथ लगी एक ऐसी चीज़ जिससे इस केस ने एक नया मोड़ लिया। इस घर में पुलिस को कई डायरीज मिली जिसमें कुछ अजीब से रिचुअल्स लिखे हुए थे। इन रिचुअल्स को डिफरेंट हैंड राइटिंग्स में लिखा गया था, विच प्रूव्स कि घर के कई लोग इन डायरीज में एंट्रीज कर रहे थे। इन डायरीज में लिखा था कि कैसे एक इंसान अपनी आंख और मुंह को बंद करके डर के ऊपर जीत पा सकता है और इससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इंसानी शरीर तो अस्थाई है, लेकिन एक इंसान की आत्मा स्थाई है और वो कभी नहीं मरती। इस डायरी में यह भी लिखा था कि अगर 11 लोग एक साथ ये रिचुअल फॉलो करेंगे तो उनके ज़िंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इन सब के अलावा ऐसी कई और बातें डायरीज में लिखी हुई थी जिनका एंड गोल लोगों से आत्महत्या करवाने का था, और ये नोट्स तरह तरह से उन्हें इन रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। अपार्ट फ्रॉम दीज डायरीज, भाटियास के घर में कई ऑकल्ट से रिलेटेड बुक्स भी थे जिनमें कुछ अजीबोगरीब रिचुअल्स थे। इसके अलावा घर में रिलीजियस बुक्स भी थी, और पुलिस का ऐसा मानना था कि ये परिवार इन किताबों में दी गई रिचुअल्स को फॉलो किया करते थे। पुलिस ने इन लोगों के एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स से पूछताछ करी और उन्होंने बताया कि इस परिवार का कोई दुश्मन नहीं था और इन लोगों की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, जैसे कि लोन्स, फाइट, फैमिली टेंशन इत्यादि, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर भी आस पड़ोस के लोग ऐसा मान रहे थे कि शायद ये एक मर्डर केस हो, इसलिए पुलिस ने इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के इनिशियल रिपोर्ट्स में ये साफ तौर पर लिखा था कि ये एक सुसाइड का केस है, क्योंकि बॉडीज़ पे किसी भी तरह की प्रेशर या फिर दबाव नहीं थी और घर में किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे।
मृत लोगों में सबसे लेट मौत हुई थी फैमिली के एल्डेस्ट मेंबर नारायण देवी की, और वो एकमात्र विक्टिम थे जिन्होंने खुद को फांसी नहीं लगाया था, बल्कि उनका शरीर जमीन पर पड़ा था। अब दोस्तों, इस केस की डिटेल्स को सुनकर शायद आप ये बात समझ गए होंगे कि इस पूरे परिवार ने किसी रिचुअल को फॉलो करने के चक्कर में खुद की ही जान ले ली, और इनफैक्ट पुलिस ने भी यही स्टेटमेंट आम जनता तक पहुंचाई। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको इस घटना की एक ऐसे पहलू के बारे में बताऊंगा जिसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो बुराड़ी केस को डिटेल में समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं सन 2007 में, जब इस परिवार के एल्डेस्ट मेंबर नारायण देवी के पति गोपाल दास की मृत्यु हुई थी। गोपाल दास के मृत्यु के कुछ ही दिन बाद से उनका बेटा ललित भाटिया थोड़ी अजीबोगरीब हरकत करने लगा था। वो परिवार में अक्सर ऐसा बोलता था कि उसके अंदर उसके पिता गोपाल दास की आत्मा है, और वो अपने परिवार वालों को डिसिप्लिनरी लेसन्स देने लगा था। गोपाल दास जी की मौत के बाद इस परिवार में थोड़ी फिनेंशियल इश्यूज आई थी, लेकिन ललित ने आगे आकर इश्यूज को ख़त्म किया, और उसका कहना था कि उसकी मदद उसके पिता कर रहे हैं। गोपाल दास जी ने इंडियन आर्मी को सर्व किया था, और लोगों का ऐसा कहना था कि ललित उनकी ही तरह एकदम डिसिप्लिन में उठने बैठने लगा था। तो इस घटना के तकरीबन 6 साल बाद ललित के साथ एक दुर्घटना हो गई। ललित का प्लाईवुड का एक स्टोर था, जहां एक दिन उसके सर पे एक बड़ा सा प्लाई गिर गया। उस दिन के बाद ललित के बोलने की शक्ति खत्म हो गई, और भाटियाज ने उसका इलाज करवाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी। डॉक्टर्स ने क्लियरली बोला कि ललित अब शायद कभी नहीं बोल पाएगा, और इन बातों को सुनकर इस परिवार ने ललित का इलाज करवाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ ही महीने बाद एकदम अचानक से ललित भूलने लग गया, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ललित ने अपने परिवार वालों को बताया कि पिछली रात उसके सपने में गोपाल दास जी आए थे और उन्होंने उसकी आवाज़ ठीक कर दी। अब दोस्तों, ये बात तो मुझे सुनकर एकदम ही झूठ लग रही है। एनीवेज, दिन बीतते गए और ललित कुछ अजीबोगरीब बातें घर में करता था, और लोग उसकी बातों को मानने भी लगे थे। वो अपने परिवार के सभी सदस्य को रोज़ सुबह एकदम सीधा खड़ा होने बोलता था, और उसका मानना था कि ऐसा करने से एक इंसान की मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। जब ललित की बहन प्रियंका की शादी नहीं हो रही थी, तो उसने अपने परिवार को एक केले के पेड़ की पूजा करने बोला, और सरप्राइजिंगली पूजा करते ही उसकी इंगेजमेंट एक नोएडा में रह रहे लड़के से हो गई। ललित ने अपने घर में 11 पाइप्स लगवाए जो कि घर के दीवार से बाहर निकलते थे, और घर के बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर का कहना था कि ललित ने उसे ऐसा कंस्ट्रक्शन करने को ये बोलकर मनाया कि घर के अंदर वेंटिलेशन अच्छी होगी। घर के आयरन गेट में भी 11 रॉड्स थे, और इस परिवार में भी ठीक 11 लोग। यू थिंक इट्स कोइंसिडेंस? आई थिंक नॉट। तो अब जबकि ललित ने इस परिवार को इतने संकटों से बाहर निकाला था, इस परिवार के सभी लोग उसकी बातों को आँख मूंद कर मानने लगे थे। तो अब ललित ने एक बहुत ही बड़ा गेम खेला, और वो अपनी बीबी टीना के साथ मिलकर घर के लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करने लगा कि अगर वो लोग एक सेक्रेट रिचुअल फॉलो करेंगे तो उनकी मुलाकात गोपाल दास जी से हो जाएगी, और गोपाल दास जी उन सब की मुश्किलों को दूर करके उन्हें मोक्ष दिलाएंगे। इस रिचुअल में इन सभी को अपनी आंखों को ढकना होगा ताकि उन्हें कोई नहीं दिखे। फिर उन्हें अपने मुंह के अंदर एक कपड़ा डालना होगा ताकि उनके चिल्लाने की आवाज़ भी नहीं आए। इसके बाद इन्हें खुद उन 11 पाइप से रस्सी और साड़ी की चुन्नी की मदद से लटक कर फांसी लगानी होगी। अब चूंकि नारायण देवी बहुत ही बूढ़ी थी और खड़ी नहीं हो सकती थी, वो ज़मीन पर लेट सकती हैं, और इसलिए शी वॉज द ओनली वन जो फांसी लगाकर लटक नहीं रही थी। सबको अपने मन में एक ही बात सोचनी होगी, और ये रिचुअल सभी लोग रात के 12 से 1 के बीच में करेंगे। रिचुअल से पहले वो लोग एक किसी तरह का हवन करेंगे, और ये रिचुअल आइदर थर्सडे और संडे को करी जाएगी। ललित ने उन्हें कन्विंस किया कि वो लोग मरेंगे नहीं, क्योंकि गोपाल दास जी उन सबको आकर बचाएंगे। उन्हें ऐसा लग सकता है कि जमीन और आसमान हिल रही है, उनका सर फट रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि गोपाल दास जी आकर उन सबको बचाएंगे। अब दोस्तों, ये सारी बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, क्योंकि ये सारी नोट्स इन डायरीज में मिली थी जिसे पुलिस ने इस घर से बरामद किया था। तो उस रात 12 से 1 बजे के बीच में ये लोग घर के बाहर से स्टूल्स लेकर घर के अंदर आए, जिस पे चढ़कर वो लोग खुद को फांसी लगा सके। इस स्टूल लाने वाले सीन को CCTV फुटेज में भी कैप्चर किया गया है, क्योंकि स्टूल्स घर के बाहर था और घर के बाहर CCTV कैमरा लगी हुई थी। घर में सबको ऐसा लग रहा था कि वो लोग मरेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने अगले दिन के लिए पूरी तैयारियां कर रखी थी। फ्रिज में चना फूलने के लिए रखा गया था, रात को कुछ चपातीज होम डिलीवरी करवाई गई थी, प्रियंका ने अपने कपड़े लॉन्ड्री के लिए दिए थे, और बच्चों ने अगले दिन के लिए क्रिकेट मैच भी प्लान कर रखा था। मतलब कि ललित ने उन्हें कन्विंस कर लिया था कि यह बस एक रिचुअल है, और इसे करने के बाद उन सबको मोक्ष प्राप्ति होगी।
जैसे ही वो सभी रात को रिचुअल के लिए रेडी हुए, ललित और उसकी बीबी टीना ने उन सब के पैर भी बांध दिए। फिर उन्होंने वही सब फॉलो किया जो उन्हें ललित ने सिखाया था, और इस तरह इस पूरे परिवार ने मास सुसाइड कर ली। ललित और टीना ने भी खुद को सेम तरीके से फांसी लगाया और इस परिवार के 11 लोग एक ही रात में अपनी जान गंवा दिए। अब दोस्तों, ये एक एजुकेटेड परिवार थी, क्योंकि इस परिवार में एक इंजीनियर था और भवनेश की बड़ी बेटी फॉरेंसिक्स में मास्टर्स डिग्री के लिए पढ़ाई कर रही थी। मतलब कि इनको उल्लू बनाकर आत्महत्या करवाना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा घर में 2 15 साल के बच्चे थे और उनको आत्महत्या के लिए कन्विंस करना भी इतना आसान नहीं था। तो आखिर ये सब कैसे हुआ और आखिर क्यों ललित ने अपने ही परिवार को आत्महत्या करने पर मजबूर किया? इन सवालों का 2 एक्सप्लेनेशन मेरे पास है, पहला साइंटिफिक और दूसरा सुपरनैचुरल। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि ललित वॉज साइकोलॉजिकली इल और भाटिया जिस बात को समझ नहीं पाए कि ललित दिमागी तौर पर अनस्टेबल है। इस सिचुएशन को हम शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं, जहां एक इंसान साइकोलॉजिकली बीमार होता है और बाकी लोग उसको ठीक करने के बजाय उसकी ही बातों को मानने लगते हैं। अब कोइंसिडेंशियली ललित की आवाज़ वापस आई और उसने कुछ ऐसे कारनामे किए कि लोग उस पर भरोसा करने लगे और उसने सबको कन्विंस करके सुसाइड करवा दिया। अब चूंकि ये परिवार काफ़ी रिलीजियस थी, उन्होंने ललित की बातों को आसानी से मान लिया और यही वजह है कि उन सब ने मास सुसाइड कर ली। कई लोग तो ये भी मान रहे हैं कि इस पूरे केस में एक तांत्रिक का हाथ भी था जो इस परिवार के काफ़ी क्लोज था, लेकिन इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। तो अब हम चलते हैं सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन पे। मेरा मानना है कि ललित को कभी उसके पिता दिखे ही नहीं थे, बल्कि वो किसी तरह की सैटैनिक रिचुअल कर रहा था। अब अगर आप मेरे चैनल को काफ़ी दिन से देख रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि हर सैटैनिक रिचुअल में सैक्रिफाइसेस भी होती है। वो अपने घर पे लोगों को झूठ बोलता रहा और वो रिचुअल्स को फॉलो करता रहा। नंबर 11 से ऑब्सेशन, दीवारों और बोर्ड्स पे मंत्र लिखना, हवन करवाना, ऑकल्ट पार्टिसिपेशन और ना जाने ऐसे कई रिचुअल्स ललित ने अपने परिवार से करवाए थे। फिर जब बारी आई ऑफरिंग्स की, तो उसने खुद के समेत अपने पूरे परिवार से ही सुसाइड करवा डाला ताकि वो उन सब के सोल को उस सैटान को ऑफर कर सके। कोई भी रिलीजियस थॉट्स या कोई भी पॉजिटिव एनर्जी हमें कभी खुद की जान लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकती है। ये काम हमेशा किसी नेगेटिव एनर्जी का होता है, और यही एक खास वजह है कि किसी ने भी सुसाइड को अपोज नहीं किया, क्योंकि वो लोग भी किसी तरह से उस नेगेटिव एनर्जी के चंगुल में फंस गए थे। अब वजह चाहे साइंटिफिक हो या चाहे सुपरनैचुरल हो, यहाँ हमें एक बात सीखने को मिलती है कि इट डजंट मैटर आपकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी आ जाए, आप हमेशा सही रास्ता चुनो और सही कदम उठाओ, बिकॉज डाइंग इज इंट अ सोल्यूशन टू एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा आज का सवाल आप सबसे है कि आपको क्या लगता है, क्यों करे इस परिवार ने मास सुसाइड? आप अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपके पास इस केस से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स है तो वो भी हमें कमेंट्स में ही बताएं। जाने से पहले मैं एक बार फिर से दुआ करूंगा कि इन 11 लोगों की आत्मा जहां कहीं भी हो, उन्हें शांति ज़रूर मिले। पीस।